नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा के निर्देश अनुसार पंचकुला जिला कांग्रेस कोविड रिलीफ कमेटी के कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने कोविड 19 रिलीफ कमेटी कंट्रोल रूम बूथ नंबर 86 सेक्टर 6 पंचकुला में खोला है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 7526898098 है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन ने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री प्रियंका हुड्डा की देखरेख में यहां कांग्रेस सेवा केंद्र वॉर रूम चलाया जा रहा है। मुझे यहां आने का अवसर मिला, मैंने इनका रजिस्टर भी देखा है कि कितने कोरोना मरीजों की शिकायतें आई हैं। चंद्रमोहन ने कहा कि प्रियंका हुड्डा की पूरी टीम बहुत सराहनीय काम कर रही है। जो दूसरे सेल बनाए हैं वे सभी सेल और अन्य कमेटी यहां सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना काल में जितना अच्छा काम पंचकुला में हो रहा है, शायद ही इतना अच्छा काम किसी और जिले में हो रहा हो। उन्होंने कहा कि यहां हॉस्पिटलाइजेशन कमेटी, ऑक्सीजन कमेटी, एम्बुलेंस और क्रीमेशन कमेटी, फूड कमेटी, कंट्रोल रूम कमेटी, मेडिसिन, मास्क, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी और कोऑर्डिनेशन विद एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का गठन किया गया है। पंचकुला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। करते हुए हैं हमारे जो पंचकुला कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से जो हमारा कोविड सेवा केंद्र बना है उसका निरीक्षण करने जो हमारे यहाँ के हमारे सीनियर हैं चौधरी चंद्रमोहन जी, वो यहाँ आए हैं। वो सभी डाटा जो हमने ये पूरी फाइल बना रखी है अपनी, उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कितने पेशेंट्स हैं, कितनी कंप्लेंट्स हमारे पास आई, किसको वो रेफर की गई और क्या उनका स्टेटस है। इसी मुहिम में कोरोना जो पेशेंट्स हैं उन सबकी हेल्प करने में पूरी कांग्रेस की पंचकुला की टीम लगी हुई है। हम आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं, आप आगे आए और इस महामारी में सबकी मदद करें। धन्यवाद।